दिनों हो रही भारी बरसात में जलभराव की स्थिति से आमजन परेशान है। भारी बारिश के चलते सीमांत खटीमा का फायर स्टेशन भी जलभराव से दो चार हो रहा है। आए दिन बरसात के सीज़न में पानी का भरना व जर्जर हो चुकी इस फायर बिल्डिंग से पानी टपकना आम बात हो चुकी है। यहाँ फायर कर्मी बामुश्किल तरीकों से अपनी ड्यूटी करने पर मजबूर है। इसके साथ ही फायर कर्मियों में हमेशा जर्जर हो चुकी बिल्डिंग के गिरने का डर बना रहता है। फायर कर्मियों का कहना है कि वो कई बार बिल्डिंग की दयनीय स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि खटीमा फायर स्टेशन में 40 कर्मियों की जगह भवन की उपलब्धता न होने के चलते वर्तमान में 25 फायर फाइटर ही कार्यरत हैं। हमारे ये जो बिल्डिंग है ये 1927 की बनी हुई बिल्डिंग है। 1986 से हमारे यहाँ पर ये फायर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी कार्यरत है। ये इसमें जो है हम अपने स्तर से जो है पूरे शासन स्तर तक दिखत पड़ा कार्रवाई चलते आ रही है। 2015 में जमीन स्वीकृति शासन से हमें हो चुकी है, जिसका ऊपरी स्तर से जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और हमारे हर साल यहाँ पर जो है पानी बरसात में घुटने घुटने तो पानी भर जाता है, जो आपके सामने यहाँ पर कुछ ही दिखाई दे रहा है। ड्यूटी वाला जो है ड्यूटी में रहने को मजबूर है, यहाँ पर खड़े रहने में मजबूर है। बिल्डिंग पूरी ध्वस्त कभी भी ध्वस्त हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को खतरा बना रहता है। हमने इसका रिपोर्ट हर बार भेजते जा रहे हैं, हर महीने हर दिन हम शासन को बताते जा रहे हैं, इसका कोई कहीं से कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए खटीमा से दीपक फुलेरा की रिपोर्ट।